सोचा भाई, आगे मौका मिले ना मिले, बहुत दिन से जानने का मन था कि आप ना भले कैसे, मतलब इस दुनिया में आए कहां से। पंडित जी, पूछा था मैंने भी एक दिन पापा से कि मैं कहां से आया हूं, तो उन्होंने ना एक कहानी सुना दी। अच्छा, तेरे डैडी भी कहानी खोर है? बहुत बड़े, मुझसे मिली है ना जींस उन्हें, लेकिन उनके कई किस्से ना समझ नहीं आते, आपको आए तो बताना। तो सुनो, पापा ने बताया कि एक बार वो हमारी तरह ऐसे किसी जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैं, यानी कि प्यारा सा चूचा, एक डायन के पेड़ से चिपटा हुआ हूँ। पापा ने जैसे ही मुझे देखा ना, तो मुझसे प्यार कर बैठे और डायन से बोले कि ये डायन की बच्ची, ये जो प्यारा सा चूचा तूने अपने पेड़ से चिपकाया हुआ है, ये मुझे दे दे। ओ, 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 चमगादड़, क्या बगी जा रहा है ये, पागल है क्या? देख बोली, मैंने तुझे पहले भी कहा था, कहानी सुनाते वक्त बीच में मुझे मत टोका कर, आई डोंट लाइक इट। हाँ पंडित जी, तो कहाँ था मैं? डायन के पेट पे। हाँ, तो डायन बोली कि एक ही शर्त पे अपना प्यारा सा चूचा दूंगी तुझे, कि पहले तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पापा ने थोड़ा सोचा, पर मेरे खातिर उस डायन से शादी कर ली, और मुझे और उस डायन को 2/16 गीता कॉलोनी ले आए। लेकिन यार, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि जब भी मैं पापा से पूछता हूँ कि पापा वो डायन कहाँ गई, तो मम्मी मुझे चप्पलों से क्यों मारना शुरू कर देती है। भाई, तेरे डैडी जी से मिलना पड़ेगा यार। मुश्किल है, वो ऐरे गहरे लोगों से नहीं मिलते। वेल डन। अब सजीव, सजीव वो अब सरकार ये सब सामान का क्या करेगी? ये मतलब आप चाहे तो हमें राशन के भाव पे ये सब सामान बेचने का मौका दे सकते हैं, हमें काम मिल जाएगा और पब्लिक को आधे दाम पे सामान। सेंड मी अ प्रॉपर प्रपोजल। अंकल जी, आपको एक और काम भी करना पड़ेगा। क्या? कन्यादान है? नहीं, वो भोली के मम्मी पापा नहीं है ना यहाँ, इसीलिए। देख, पंडित और कैस्ट्रा और हलवाई तो है अपने पास, पर नहीं तंबू बुक करा देगा। तू बस ब्यूटी पार्लर जाके दुल्हन बन जियो, फिर मैं तुझे वहीं से घोड़ी पे पिक कर लूंगा और शादी होते हैं उसी घोड़ी पे आके गोया भी निकल लेंगे। एक मिनट। ये फिर चाटा खाएगा। मैं 18 की हो जाऊं, उसके बाद करेंगे शादी, ठीक है? क्यों सर? फ्रेंड्स किस यार।